तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त विष्णु सिंह और आपको जो है इस वीडियो में मैं बताऊंगा बजाज पल्सर 150 2023 मॉडल जो कि अब E20 के साथ आता है। तो इस वीडियो में गाइस जो है हम इस बाइक के फीचर्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड्स, ये है बजाज पल्सर 150 2023 मॉडल। ये बाइक जो है गाइज अब E20 के साथ आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका एक लुक आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये बाइक जो है वो जो है एक कम्यूटर बाइक है और लुक जो है इस बाइक का आपको वो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बजाज पल्सर 150 2023 मॉडल, ये जो है कार्बन में आपको मिल जाता है और इसमें तीन मॉडल आते हैं, नियॉन में भी आपको देखने को मिल जाएगा और आपको सिंगल सीट और सिंगल डिस्क भी देखने को मिल जाएगा। ये जो वेरियंट है वो आपको ट्विन डिस्क और जो है स्प्लिट सीट के साथ आपको ये बाइक अभी है हमारे पास, जो ब्लू कलर और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे पल्सर का लोगो जो है आपको 3D में देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे ग्राफिक्स जो वो ब्लू कलर का दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे भी कार्बन टच दिया हुआ है ग्लॉसी फिनिश में और इंजन में आप देख सकते हैं DTSI का जो है लोगो दिया हुआ है। आपको जो है फ्रंट की तरफ मैं अगर दिखा दूँ, फ्रंट मडगार्ड में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे कार्बन फिनिश दिया हुआ है और साथ ही ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो हेडलाइट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बजाज का लोगो दिया हुआ है। ये जो है फ्रेंड्स हेलोजिन, आपको जो है हेडलैम्प हेलोजिन देखने को मिलेगा, LED नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको छोटे छोटे पायलट लैम्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो इंडिकेटर है गाइस वो आपको हेलोजिन वाले ही इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि फ्लेक्सिबल है, इसमें आपको LED इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो इसमें आपको 150 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक FI इंजन देखने को मिल जाता है 2 वेल्व के साथ। और इसमें आपको कूलिंग के लिए एयर कूल ही देखने को मिलेगा। इंजन जो है फ्रेंड्स वो आपका मैक्सिमम पावर जो जनरेट करेगा वो है आपका 13.8 BHP 8500 RPM का। और मैक्सिमम टॉर्क जो ये इंजन जनरेट करता है वो है 13.25 Nm 6500 RPM का। इस बाइक में आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। DTSI का यहाँ पे आपको जो है लोगो देखने को मिल जाता है इंजन में। और नीचे की तरफ जो है आपको इंजन काउल भी दिया गया है और यहाँ पे जो है कार्बन और कार्बन में आपको जो है डिजाइन, कार्बन फिनिश में डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे ब्लू कलर का भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में जो है फ्रेंड्स आप साइड लुक देख सकते हैं, इस तरीके का आपको जो है साइड लुक देखने को मिल जाता है। अगर इस बाइक के हम अगर फ्यूल टैंक की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 15 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है देखने को मिल जाएगा। 3.2 लीटर का आपको रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी जो है वो इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के फ्रंट सेक्शन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रंट्स में जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और आपको जो है इस बाइक में सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम फ्रंट डिस्क की बात करें तो 280 mm का आपको जो है फ्रंट डिस्क देखने को मिल जाएगा। 17 इंच का आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 90x90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा और इसमें देख सकते हैं MRF का टायर जो है लगा हुआ है। और हम अगर रियर सेक्शन की तरफ जाएं तो रियर में आपको जो है 230 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, 17 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाएगा। और टायर साइज की अगर बात करें तो 120x80 सेक्शन का आपको ट्यूबलेस टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये बाइक का एग्जॉस्ट कुछ इस तरीके का आपको जो है लुक प्रोवाइड करता है। और ये बाइक जो है गाइस वो BS7 नहीं BS6 फेस 2 पे बेस्ड है, जिसमें आपको E20 का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं E20 जो है आपको मेंशन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम अगर इसका मीटर देखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको जो है ऑन करने के टाइम व्यू मिल जाता है। यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल जो है दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपका RPM के लिए एनालॉग है, यहाँ पे चेक इंजन लाइट है, RPM लिमिट जो है वो भी इंडिकेटर दिया हुआ है। इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और भी कई सारे जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ट्रिप ए देख सकते हैं, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और आपको जो है माइलेज भी इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। फ्यूल इंडिकेटर जो है आपको देखने को मिल जाएगा और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ABS का सिंबल, मैं आपको
फोकस करके दिखाऊं, ये देख सकते हैं इसमें आपको जो है एबीएस का भी ऑप्शन मिल जाता है और एबीएस के लिए इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है और कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए है, यहाँ पे न्यूट्रल के लिए है और यहाँ पे आपका जो है अपर लाइट जब आप जलाते हैं हाई बीम तो उसके लिए है। अगर हम हैंडल बार की बात करें तो इसमें आपको क्लिप ऑन टाइप का हैंडल बार देखने को मिल जाता है। राइट साइड हैंडल बार में आपको जो है इग्निशन का सेल्फ स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर इंजन किल स्विच, और लेफ्ट हैंडल बार में आपका हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर आपको इंडिकेटर का स्विच देखने को मिलेगा और फिर लोअर और अपर का, और फिर सामने की तरफ आपको जो है पासिंग लाइट का आपको जो है स्विच देखने को मिल जाएगा। स्विच क्वालिटी की बात करें तो अच्छा आपको देखने को स्विच क्वालिटी देखने को मिल जाता है। मिरर में आपको कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके रियर की बात करें तो रियर में आपको जो है इस तरीके का लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसका जो टेल लैंप आपको देखने को मिलेगा वो एलईडी में देखने को मिलेगा, जो इस तरीके का लुक आपको प्रोवाइड करेगा। इंडिकेटर जो है फ्रेंड्स वो आपको हैलोजिन वाले ही देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्लेक्सिबल वाले, ये देख सकते हैं आप, काफी फ्लेक्सिबल इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। और आपको जो है इस बाइक में डुअल हॉर्न भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते इस तरफ एको और उस तरफ एक आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस बाइक का हम अगर वेट की बात करें तो 150 केजी का इस बाइक का जो है वेट आपको देखने को मिल जाता है। 785 mm का आपको जो है सीट हाइट देखने को मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो है स्प्लिट सीट, सिंगल सीट दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सीटिंग क्वालिटी और कंफर्ट की बात करें तो कुशनिंग इसका जो है वो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और कंफर्ट भी आपको मिल जाता है। और हम अगर एक शोरूम प्राइस की बात करें तो आपको 120,954 रुपीज आपका एक शोरूम प्राइस जो है इस बाइक को देखने को मिल जाता है। ट्विन डिस्क कार्बन और स्प्लिट सीट में आपको मिल जाएगा एक शोरूम प्राइस जो है। और इस बाइक को आप अगर लेना चाहते हैं और आप अगर हमारे पाकुड़ झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है शोरूम का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, पाकुड़ बजाज शोरूम का, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप शोरूम में विजिट कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। ये बाइक जो है आपको यहाँ पर ईएमआई पे भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताएं। इस बाइक से रिलेटेड कुछ पूछना हो या फिर कौन से फीचर्स आपको इस बाइक का पसंद आया है वो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।